Hello students, welcome to the subject Basics of Industrial Engineering, in which we will start Production Planning and Control, prepared by Assistant Professor Sumit Singh Sikarwar, Mechanical Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat, Gandhinagar. So let us continue with Production Planning and Control. Let us see the definition of what is PPC, that means Production Planning and Control. So, production planning and control may be defined as the direction and coordination of the firm's material and physical facilities towards the attainment of pre-specified production goals in the most efficient and economical manner. तो आप कह सकते हैं कि production planning ऐसी चीज है जिसमें what we are doing, we are just coordinating and directing our material and physical facility so that we can achieve the maximum possible production. According to Samuel Allian, the highest efficiency in production is obtained by manufacturing the production quantity of the product of the required quality at the required time by the best and cheapest method. तो Samuel Allian ने जो कहा है वो है कि भाई अगर किसी चीज को मतलब आप कह सकते हैं प्रोडक्शन की हाईएस्ट एफिशिएंसी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट और चीपेस्ट मेथड को यूज करके क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वांटिटी दैट मींस बल्क में बनाना पड़ेगा. टू अटेन दिस टारगेट मैनेजमेंट एम्प्लॉयज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल द टूल दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. टू अटेन दिस टारगेट As I've been told you that ये management अगर इसको achieve करना चाहती है कि उसको highest और efficient production चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, production planning and control का tool apply करना पड़ेगा so that और जितनी भी manufacturing activities हैं उनको coordinate करना है. Now let us understand the need of PPC, production planning and control. So PPC is needed to achieve the following things. First, effective utilization of firm's resources. Firm ke resource ko effectively use karne ke liye hum iska use karte hain. To achieve the production objective with respect to quality, quantity, cost and timeliness of delivery. Dekhiye ye sabse important cheez hai kyunki aapko quality bhi chahiye uske sath quantity bhi chahiye. Theek hai? वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और हम जब डिलीवरी के लिए भेजते हैं तो वो क्या होना चाहिए, विद इन अ टाइम होना चाहिए सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है. तो ऑब्टेन द अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो इन ऑर्डर टू मीट द कस्टमर डिमांड्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड कमिटेड डिलीवरी स्केड्यूल. ठीक है, क्या होता है कि हमने जो कमिटमेंट की है डिलीवरी भाई ये टाइम पे देना है तो हमारा जो ये जो डिपार्टमेंट है ये जो पीपीसी है वो सब अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करता है और हमारे जो प्रोडक्शन का फ्लो है उसको अनइंटरप्टेड मतलब किसी भी रुकावट के वो कंटिन्यूस फ्लो देता रहता है. टू हेल्प द कंपनी टू सप्लाई अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर ऑन द कंटिन्यूस बेसिस एट कस्टमरिंग रेट्स. अब ये पीपीसी जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वो हमेशा क्या करता है कि भाई कंटिन्यूस प्रोडक्शन मिलता रहे और कस्टमर तक पहुंचता रहे, ठीक है, टाइमली पहुंचता रहे वो चेक करता है. ठीक है, नाउ लेट अस सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीसी. सो वी नो दैट टू डिजाइन अ सिस्टम एंड प्लान बाय विच द प्रोडक्शन मे बी कैरिड आउट विद अ व्यू टू मीट द प्रॉमिस्ड डिलीवरी डेट कंसिस्टेंट विद मिनिमम कॉस्ट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड. सो इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पीपीसी. हमें ऐसा सिस्टम और प्लान बनाना है सो दैट कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसे आसानी से अचीव कर सकें विथ मिनिमम कॉस्ट एंड विथ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. टू एंश्योर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज, हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है, हमारा जो कंपनी के पास जो मशीन्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पीपीसी का. टू कोऑर्डिनेट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट
डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम पीपीसी का यूज़ करते हैं, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। टू मेंटेन द एडिक्वेट बट नॉट एक्सेसिव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड डिलीवरी स्केड्यूल्स एट द मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल। अब देखिए पीपीसी का एक और ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि भाई हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो बल्क में ना पड़ा रहे, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता रहे, है ना, सो दैट वी हैव मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। तो हमारा जो जो एक तो देखिए इससे फ़ायदा क्या रहेगा भाई कि हमारा काम भी कंटिन्यूस होता रहेगा और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमें मिलती रहेंगी। टू एंश्योर प्रोडक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट इन राइट क्वालिटी एट द राइट टाइम, तो ये इंश्योर करने के लिए हम पीपीसी उसका ऑब्जेक्टिव है, पीपीसी का ऑब्जेक्टिव है। टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन टू अकोमोडेट रश जॉब्स और टू मीट कंटीजेंसीज, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कोऑर्डिनेट लेबर मशीन्स एंड इक्विपमेंट इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक मैनर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है इट एंश्योर्स स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल्स बाय एलिमिनेटिंग बोटलनेक्स इफ एनी इन प्रोडक्शन। देखिए अब होता क्या है कि कभी कभी मशीन्स ये जो है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल ऐसा जज करता है सो दैट हमारा प्रोडक्शन जो है अनइंटरप्टेड रहे, सो दैट देर वुड बी ऑलवेज स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल, आराम से उसको फ्लो कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग टारगेट्स एंड चेकिंग इट अगेंस्ट परफॉर्मेंस, जो हमारे टारगेट्स हमने जो बनाए हैं वो और जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए हम पीपीसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पीपीसी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट यूज ऑफ कंप्यूटर्स, सो वी नो दैट के मॉडर्न टाइम है, नए टाइम में सारी मशीनरीज हैं, ठीक है, दे आर ऑपरेटेड बाई कंप्यूटर्स सारा कुछ, और जितना भी फाइल वगैरह है, ठीक है, वो कंप्यूटर्स पे होता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। टेस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग को चेक करने के लिए उसकी, ठीक है, जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो सब मतलब उस पर भी हमारा पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग अफेक्ट करता है। सीजनल वेरिएशन, अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उससे भी हमारा ये जो फैक्टर है वो भी हमारे पीपीसी को अफेक्ट करता है। आफ्टर सेल सर्विसेज, देखिए सेल्स करने के बाद आप कैसी सर्विस दे रहे हो वो भी आपके प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को अफेक्ट करता है। प्रोडक्शन ऑर्डर कितना है, बल्क में है या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। लॉसेस ड्यू टू द प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनसे जो लॉस होता है, ठीक है, लॉसेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय अस, तो इसके ये चीज़ भी हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को अफेक्ट करता है। रिजेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। डिज़ाइन चेंजेस, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है डिज़ाइन चेंज करने की, तो ये भी हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को अफेक्ट करता है। लेट अस सी नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ पीपीसी। सो देर आर मेन थ्री फेजेस ऑफ पीपीसी, पहला है प्लानिंग फेज, दूसरा है एक्शन फेज और तीसरा है फॉलो अप और कंट्रोल फेज। लेट अस सी द डायग्राम ऑफ इट। सो दिस पिक्चर शोज अ डायग्राम ऑफ कंप्लीट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फेजेस। सो देर आर थ्री फेजेस या थ्री फेज हम दे सकते हैं। पहला फेज है प्लानिंग, प्लानिंग कंप्राइजेस टू फेजेस, प्रायर प्लानिंग एंड एक्शन प्लानिंग। प्रायर प्लानिंग दैट मीन्स जो प्लानिंग जो हमें पहले करना पड़ता है, ठीक है, और एक्शन प्लानिंग दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन हम जो एक्शंस लेते हैं वो सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाता है एक्शन फेज, एक्शन फेज में हमारा डिस्पेच आ जाता है, और तीसरा है कंट्रोल। कंट्रोल में हमारे दो फेजेस हैं, टू डिफरेंट फेजेस आते हैं, फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो प्रायर प्लानिंग जो है अगेन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज,
फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। पहले हमें फोरकास्ट करना पड़ता है कि भाई सेल्स कितना जा सकता है, क्या रहेगा हमारे पास, ऑर्डर राइटिंग में हमारे पास ऑर्डर कितना है, और प्रोडक्ट डिज़ाइन हमें कौन सी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है। तो ये जो तीन फेज है वो हमारे प्रायर प्लानिंग में आ जाते हैं। एक्शन प्लानिंग के अंदर हमारे आ जाते हैं प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग। फिर है हमारा वो मटेरियल जो कंट्रोल करना है, वो टूल कंट्रोल्स करना है, वो हमारा लोड जो करते हैं हम वो, और स्केड्यूलिंग फेज। नेक्स्ट है कंट्रोल फेज। कंट्रोल फेज के दो भाग है, अगेन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड करेक्टिव एक्शन। सो प्रोग्रेस रिपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डेटा कलेक्शन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। वाइल करेक्टिव एक्शन इट टेक टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपीडिटिंग एंड replanning of PPC। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।